दोस्तों, प्लाज्मा टीवी के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं आखिर ये प्लाज्मा टीवी काम कैसे करता है? तो देखते रहिए इस वीडियो को। आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित, आप देख रहे हैं टेक नंदन। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, प्लाज्मा, जिसको पीडीपी यानी कि प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल भी कहते हैं, दोस्तों प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल में ग्लास के दो प्लेट के बीच लाखों की संख्या में छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं जिनको हम पिक्सल कहते हैं। ये कंपार्टमेंट रेड, ब्लू और ग्रीन फॉस्फोरस से कोटेड होते हैं। ये कंपार्टमेंट नोवेल गैसेस जैसे हीलियम, आर्गन, नियोन से भरे होते हैं और साथ ही इन कंपार्टमेंट के दोनों साइड इलेक्ट्रोड की ग्रिड लगी होती है जिससे हर कंपार्टमेंट एक प्लाज्मा बल्ब की तरह काम करता है। दोस्तों, जब हाई वोल्टेज इन कंपार्टमेंट में अप्लाई किया जाता है तब कंपार्टमेंट में अवेलेबल गैस अल्ट्रावायलेट लाइट में बदल जाती है। फिर कंपार्टमेंट के अंदर फॉस्फोरस कोटिंग के जरिए ये अल्ट्रावायलेट लाइट विजिबल लाइट में बदल जाती है यानी कि प्लाज्मा में बदल जाती है। दोस्तों, इस तरह प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल में बने लाखों कंपार्टमेंट पिक्सल बल्ब का रूप ले लेते हैं जिसको सिस्टमेटिकली ऑन ऑफ किया जा सकता है। दोस्तों, हम आपको यहाँ बता दें, पहला पार्टिकल प्लाज्मा स्क्रीन 1960 में डोनाल्ड विट्जर, हिरम स्लोटो एंड रॉबर्ट विल्सन द्वारा डेवलप किया गया था। दोस्तों, बस फिलहाल के लिए ही इतना इस वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।